हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है इसमें ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख रहा है, इन विच एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो और ये बी सी टोटल, ये बी सी की लेंथ जो है वो 8 मीटर है, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तो फिर बी सी एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ए डी, ये ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। तो ए डी के लिए दो कंडीशन है, एक तो है 10 45 ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो इससे आपको मिल जाएगा ए डी इक्वल टू बी डी, बी डी यहाँ चला जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक। दूसरा 10 60 डिग्री इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी 203, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है 3, ठीक। तो ए डी यहाँ से मिल जाएगा 3 डी सी। अब देखिए ये जो बी डी है, ये बी डी है, बी डी प्लस डी सी, डी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, डी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन 3, 3 यहाँ चला जाएगा, ये जो 3 है ये यहाँ चला जाएगा इसके नीचे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब डी सी की वैल्यू, डी सी क्या है, डी सी आपका ये वाली सेक्शन है, ये वाला सेक्शन डी सी, ठीक। और बी डी क्या है, बी डी आपका ये वाला सेक्शन है, और दोनों पूरे की लेंथ 8 मीटर है। तो बी डी प्लस डी सी इक्वल टू 8, तो बी डी क्या है, बी डी आपको दिया है ए डी, डी सी क्या है, डी सी आपको दिया है ए डी अपॉन 3 इक्वल टू 8। यहाँ से निकाल लीजिए, ए डी कॉमन ले लीजिए, ए डी कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस 1 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 8। ये आगे हो जाएगा ए डी 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 8। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डी इक्वल टू हो जाएगा 8 3 अपॉन 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और ये भी अगर आंसर लिखा है तो भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सॉल्व करेंगे, और मेरे आने वाले वीडियो में हम और भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपको देने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे सवाल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। मैं आगे बोर्ड का भी पेपर सॉल्व करके इसमें आपको देने वाला हूँ।